Hi Tony, how are you? How are you, Tony? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों मैं आज आया हुआ हूं बसकना में और यहां पर है बालम सिंह रौतेला जी। तो इनका एक डॉगी है ब्लैक रंग का, बागेश्वर से उसको लेकर के आए हैं, उसका नाम है टॉनी। तो कुछ दिनों से वो बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आज तो थोड़ा ठीक है। और साथ में उन्होंने कुछ मुर्गियाँ भी पाली हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि मुर्गियाँ पाल रहे हैं और उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं। और मेरे साथ में आए हुए हैं फ़कीर सिंह जी भी, तो वो भी कुछ उनको आइडियाज़ दे रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि फ़कीर सिंह जी ने पहले बहुत सारी मुर्गियाँ पाली थी, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से उनको पानी देंगे, किस तरीके से दाना देंगे, तो उसकी वो तैयारियाँ कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। टॉनी, और टॉनी की तबीयत खराब चल रही है आजकल, और टॉनी का चल रहा है इलाज, और टॉनी को लगा रहे हैं हम इंजेक्शन, अभी लगेगा फिर और इंजेक्शन। अरे टॉनी फिट है, अब फिट है टॉनी। हाँ ये टॉनी हो गया। तो दोस्तों जो पहाड़ों में जो सुकून होता है हमारा, वो शहरों में वो नहीं है, और पहाड़ों में एक शांति है और सुकून है। और बालम सिंह रौतेला जी भी बहुत समय के बाद जब आए होंगे, तो अब फिलहाल इन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया है। घर वगैरह तो पहले से बना ही था, नया मकान भी उधर रोड किनारे बनाया हुआ है, और साथ में एक साथ के लिए एक डॉगी भी पाला हुआ है टॉनी, और कुछ मुर्गियाँ भी जो है इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि उनमें व्यस्त रहें और कुछ काम भी हो, बाकी साग सब्जी वगैरह भी लगा रहे हैं। तो कितने सुकून में है वो, मतलब उनको कैसा यहाँ पर लग रहा है और जब बाहर रहते थे तब कैसा लगता था, वो भी मैं उनसे बातचीत करेंगे अभी। तो फिलहाल हमारे पहाड़ों में बहुत ही सुकून है, और आप भी आइए पहाड़। और जब अगर आप लोग काम वगैरह कुछ बाहर कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए तो आप ज़रूर आइए, अपने घर बार देखिए, जो मकान वगैरह हमारे वीरान हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह आप लोग फिर ज़रूर करें, ताकि कभी भी आप आएँ तो आपको अपने घर में आकर के सुकून मिल सके। और ये है आम का पेड़, इस पर बौर आने लग गया है, और जल्द ही आपको पहाड़ों में अब आम दिखाई देंगे और आप लोग आनंद लेंगे पहाड़ के स्वादिष्ट रसीले आमों का। और फकीर भाई ने भी जो है मुर्गियां पाली हुई है पहले से, तो यहाँ आकर के कुछ आइडियाज दे रहे हैं कि कैसे जो है मुर्गियों को सेफ रखा जाए, ताकि उनकी तबीयत जो है इतनी जल्दी ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये मुर्गियाँ आप देखिए इनको, और ये दिख रही होंगी आपको, ये सब भीगी हुई नहाई हुई जैसी दिख रही हैं सारी। और फिर पानी जो इनको एक बड़े बर्तन में दिया जाता है, तो ये सारे सब एक साथ जब पानी पीते हैं तो एक दूसरे को डुबा देते हैं, और कितने ऐसे मर भी जाते हैं। तो इनके लिए अब फ़कीर सिंह जी जो है व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि इनके जो है ये नहाए ना हों, पानी में डूबे नहीं, तो इसके लिए व्यवस्था हो रही है अभी। ये देखिए, और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर रौतेला जी ने जो है सारी व्यवस्था कर रखी है, सब्जियां वगैरह भी लगा रखी हैं। इधर देखिए आप, सब्जी मैं दिखाऊं आपको। दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आजकल जो हमारे बानर हैं, बंदर हैं, सुंगर वगैरह, उनसे थोड़ा खतरा होता है, तो इसका तो लेकिन फिर पूरी बाउंड्री जैसी है। तो इन्होंने जो है गोभी वगैरह भी इधर लगा रखी है ये, और मूली, शायद ये है मूली के दाने भी आने लग गए हैं अब ये, और इधर ये लगा रखा है। और इस साइड में लगा हुआ है लहसुन
और मेथी वगैरह इधर लगी हुई है, तो पूरा पानी वगैरह भी दे करके कर रखा है बढ़िया। और ये शानदार नज़ारा लग रहा है हमें बसकना से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और क्योंकि अब रोड में भी डामर हो चुका है, तो आप इधर टिपोला से कपड़ा भी बहुत ही आसानी से और बड़े सुकून से आप जा सकते हैं टिपोला से कपड़ा को। तो दोस्तों, जो मुर्गियाँ हैं छोटे बच्चे हैं अभी, और क्योंकि वो जब पानी पी रहे हैं तो सारा पूरा डूब जा रहा है, और फकीर भाई कह रहे हैं कि ऐसे में मुर्गियों का जो मरने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए वो इसके लिए बना रहे हैं उनके पानी पीने के लिए, जिससे वो उनका सर जो है उसमें डूबे नहीं। और ये हैं फकीर सिंह जी हमारे, और ये हैं बालम सिंह रौतेला जी, इन्होंने पाली हुई हैं मुर्गियाँ। और कुछ मुर्गियाँ आप देख सकते हैं कि मैं इधर छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं, और बड़ी मुर्गियाँ उन्होंने उधर रखी है, उधर रोड साइड में भी उन्होंने मकान बना रखा है अपना। अभी मैं आपको ले करके चलूँगा उधर, तो वहाँ भी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी मुर्गियाँ हैं, मैंने भी नहीं देखी हैं अभी। तो दोस्तों, इसमें जो है पानी भर रहा है, तो पानी भरेगा जितना पिएंगे मुर्गियाँ, फिर उसके बाद कम होता जाएगा, तो फिर उतना जो है वापस आता रहेगा, तो ये भरता रहेगा। और पानी में सर डूबेगा नहीं उनका, सिर्फ चोंच ही चोंच जो है इस तक जाएगी। तो अभी चल रहा है कार्रवाई, अभी पूरी होती है। हाँ, तो ये हो गया फिट। हाँ, अभी पानी इतना ही निकलेगा जितना इसमें होगा, ठीक है, बाकी फालतू पानी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों उसमें जो डब्बा है उसमें दो तरफ एक एक छेद कर दिए हैं, और जो ढक्कन है इसका जो थाली है उसको रखा है पहले खड़े में, जैसे बर्तन रहता है उसको पानी भर देना है, और दो जो छेद करे हुए फिर उसको वैसे ही फिर पलट देंगे, तो सारा पानी जो है फिर इसमें आ जाएगा, और धीरे धीरे पीते रहेंगे तो पानी जो है उसमें भरता रहेगा थाली में। जैसे आपने भर दिया ये भरने का, हाथ ये लगाना है, हाथ लगाने के बाद ये लौटा है, ये रख दिया तुमने, बस ये रखने, बस ये रखने तक ही जो पानी गिरेगा उसके बाद नहीं गिरेगा, फिर इसके अंदर इतना पानी बहुत है उनके लिए फिलहाल, बस ये। और गुड़ पानी डालो, मैं डाल दी, गुड़ की जरूरत ही नहीं है अभी, गुड़ पानी डालने में, गुड़ का पानी। तो दोस्तों, हम पहुँचे हुए बसकना में, मेरे साथ में हैं बालम सिंह रौतेला जी। तो दोस्तों, मैं आप लोग से बोल रहा था कि आप लोग भी अपने पहाड़ों में आइए और कुछ देखिए, क्योंकि जब बालम सिंह जी अभी आए हैं, पहले तो बाहर कहाँ रहते थे आप? BSNL में, फरीदाबाद। अच्छा, BSNL फरीदाबाद में थे ये, तो अब इनसे बातचीत करते कि कब यहाँ पर ये आए, और फिर इनको अब यहाँ पर इन्होंने जो मुर्गियाँ वगैरह पाल रखी हैं और चीज़ भी कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से ख्याल आया कि वहाँ से ये घर आएँ और ये सारे चीज़ें करें करके, तो उस बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो सर, जैसे आप तो क्योंकि फरीदाबाद में रहते थे, वहीं जॉब वगैरह आप करते थे, तो वहाँ से ऐसे कैसे ख्याल आया आपको कि भाई आप मतलब पहाड़ की तरफ को चलें और यहाँ पर कुछ करें? ऐसा है कि वहाँ पर अगर वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर एक तो बीमारियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, और पहाड़ में इतना बीमारी नहीं है, मेरे को 1.5 साल यहाँ पर लगातार हो गया, मेरे को आज तक एक जुकाम तो नहीं लगा। अच्छा, ठीक ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो मुर्गी रखने का ख्याल एक यह आया कि मुर्गी मैंने पहले भी पाली हुई थी जी, इससे इसको इनको रखने से थोड़ा मैं भी बिजी रहूँगा। हाँ हाँ, और टाइम पास भी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ कि जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि यार पहाड़ों में तो काम नहीं है, कुछ नहीं है करके, तो क्योंकि आप रिटायरमेंट होकर के आ गए हैं, फिर ऐसे में लगता है कि आदमी क्या करेगा, लेकिन आप लोग, आपने तो इतने क्योंकि वो कर रखा है, मुर्गियाँ पाली हुई हैं इधर, और उधर साइड में भी आपके पास कुछ और करने वालों के लिए बहुत कुछ है जी, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करने वाले के लिए मुर्गियाँ हैं, गाय भैंस हैं, कई चीज़ें हैं, घास पात का है, पेड़ पौधे हैं। हाँ, जंगल की खेती नहीं कर सकते, और भी काम बहुत हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे जी। अपने अपने करने का एक तरीका अलग अपनाना है, जिसने जो काम सीखा है वो कर सकता है। हाँ, अब जो नहीं भी कुछ जिसने कहा मैं तो हाथ पर दराजी तक नहीं लूँगा, तो नहीं लेना, नहीं लेना फिर। हाँ, जब क्योंकि आदमी का जब मन ही नहीं हो करने के लिए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि आदमी आज भी जो है सरकार जो है लोन पे गाय दे रही है, भैंस दे रही है, बकरियां दे रही है, मुर्गियां दे रही है, कई चीज़ें दे रही हैं जी। आप उसका अगर उसका उपयोग कर सकते हैं, हाँ हाँ, तो बहुत ही कुछ हो सकता है जी जी। ये कोई ऐसा भी जोड़ी नहीं है कि हम ये कमाई के धंधे पर लगे रहें, हम रातों रात लखपति बन जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही बिजनेस चलता रहे और अपना ही दाल रोटी चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे। और क्योंकि अगर आप पहाड़ों में रहते तो शुद्ध हवा पानी वगैरह है, तो आदमी स्वस्थ भी रहता है यहाँ पर, स्वस्थ रहेगा यहाँ। क्योंकि अगर बाहर रहते प्लेन्सों में रहते तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, पॉल्यूशन वगैरह होता, तो वो आए दिन जो है फिर जितना कमाता है वो फिर जो है दवाई पानी वगैरह में जाता रहता है। हाँ, तो हम वहाँ पर जब नौकरी करते थे तो हर तीसरे दिन चौथे दिन डॉक्टर के पास ही जाते थे। आज क्या है, सर दर्द है, आज क्या है, पेट में दर्द है, आज क्या है, आँख में दर्द है, आज क्या है, ये चीज़ है जी। तो जो पैसा हम कमा के जाते थे उसमें एक चौथाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा हम जो है डॉक्टर को दिया थे जी जी, है कि नहीं? अब यही यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर 1.5 साल में जो हो गया, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि डॉक्टर के पास मेरे को और जाना पड़े आगे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वहाँ पर तो ये भी होता है ना, अगर आपने मकान वगैरह भी लिया है तो आदमी तो क्योंकि आप फ्लैट सिस्टम होते हैं तो वो लेता है, और यहाँ पर तो आप मालिक हैं पूरा, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं घर तक ही नहीं होता, आपके पास खेती पाती है सब कुछ है, तो दूर दूर भी आप जा सकते हैं, घुमाई फिराई भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सारे लोग अपने जानने वाले भी होते हैं, आप कहीं भी पहाड़ों में चले जाओ तो हर कोई एक दूसरे को पहचान ही लेता है कि अच्छा वहाँ के हैं। यहाँ पर अगर हम कहीं नहीं भी अपने घर से बाहर जाएंगे भी नहीं, हाँ, तब भी कम से कम पार्टी का 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का मतलब रनिंग हो जाती है। हाँ, और बाहर जो होता है उनको मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो स्वस्थ रहने के लिए, और उसमें भी तो पॉल्यूशन वगैरह बहुत होता है, बहुत पॉल्यूशन के लिए भी जाओगे वॉक वगैरह भी करोगे तो उसमें भी बड़ी वो है ना, पॉल्यूशन भी है और पानी भी खराब है, हवा भी खराब है, सभी चीज वो है। यहाँ पे शुद्ध हवा शुद्ध पानी जी, तो खाना पीना कोई भी चीज खाओ सब हजम। तो यहाँ पर मतलब कितना टाइम हो गया है आपको, मतलब आए हुए और ये मुर्गी वगैरह पाला या इस तरीके से काम शुरू करे कितना टाइम हो गया? वैसे मेरे को यहाँ पर आए हुए 2.5 साल हो गया है जी, और इस मुर्गी को पालने का मेरा धंधा जो है मेरे को पहले से शुरू से मतलब था, हाँ, कि मैं करेंगे जब रिटायरमेंट होंगे पे ये काम करेंगे, हाँ, हाँ, उससे जो है हम बिजी रहेंगे, हाँ, बिजी होने का कारण यह है कि मतलब गांव में कोई आदमी है नहीं, हाँ, किसी से बातचीत करने का, आदमी परेशान रहता है अकेले में, बिल्कुल इसमें हम बिजी रहते हैं, कभी चारा देना है, कभी पानी देना है, कभी आगे रखना है, कभी व्यवहार करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना, तो इन पर लगे रहेंगे तो अपना खुद आदमी बिजी रहेगा। जी 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 जी, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने उधर भी है, उधर तो उधर बड़ी मुर्गियाँ हैं, उधर थोड़ा इससे 15 दिन बड़े हैं जी, तो आपको आप ये दिखाएंगे, हाँ वही एक साथ एक बार आपके साथ उधर चलेंगे, क्योंकि जो हमारे दो लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं जो बाहर रहते हैं तो उन लोग को भी दिखेगा कि भाई हाँ पहाड़ों में रह करके भी आदमी क्या क्या कर रहा है, और अपना मसल और फिट भी है सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्वास्थ्य है कहते हैं ना, वो कहते स्वास्थ्य के लिए ही कहा जाता है कि सबसे बड़ी दौलत है वो है स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य है, तो इसीलिए जब आदमी यहाँ पर चलता रहता है तो फिट भी रहता है। और जैसे मैं देख रहा था सब्जी वगैरह ये भी लगा रखी है आपने? मैंने बंद गोभी लगा रखी है, मूली की सब्जी लगा रखी है जी, और राई लगा रही, पालक लगा रखा है, हाँ मेथी वगैरह, धनिया लगा रखा है, हाँ, तो अपने खाने के लिए भी मतलब चीज़ें हो जाती है शुद्ध, हाँ शुद्ध खाना है, शुद्ध वो है, हाँ कोई उसमें कोई वो नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है कुछ नहीं, हाँ तो और भी कोई और काम वाले भी आते हैं, सब वो देखते हैं तो कहते हैं बढ़िया चीज़ होगी, हम तो ले जाओ आप भी ले जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ले जाओ आप भी खाओ। तो आप हमारे उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे कि जो लोग मतलब हमारे पहाड़ से ही हैं लेकिन पहाड़ में आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, और जिनके मकानों वगैरह की भी स्थिति खराब हो गई, तो उनके लिए कुछ आप संदेश? मैं तो कह रहा हूँ पहाड़ में आएँ, और यहाँ सब कुछ होने के नाते भी आप जो है वहाँ पर रह रहे हैं, जो आदमी यहाँ पर जिसको उम्मीद दिल्ली में उम्मीद है कि मैं 60 साल से ऊपर हूँ, वो तो 60 साल से ऊपर जीना नहीं उसने, यहाँ कम से कम 80 साल में निकाल देगा, 20 साल का फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर जी जी, और जिसने 80 साल जीना वो 100 साल जी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ में ऐसी मतलब इतनी अच्छी हवा है, वो है सब कुछ होने के बाद भी यहाँ कोई बीमारियाँ नहीं है जी, बहुत बढ़िया वह है, और मैं कहता सभी आए और अपना घर देखें, और सभी अपना परिवार देखें, और वह परिवार है सब कुछ है, हाँ मतलब आते जाते रहें, आते जाते रहें। और ये है कि जब आप कुछ साल के बाद काम वगैरह का वहाँ पर छोड़ दे, तो मतलब आप जो है आखिरी टाइम पर जो है आपने इधर आए पहाड़ में आए, तो यहाँ की शुद्ध ताजी हवा है, ताजी उससे अपने स्वास्थ्य को भी फिट रखें और थोड़ा और ज़िंदगी अपनी लंबी करें जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर थोड़ा सा आपका उधर भी देख लेंगे, हाँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जी जी। तो दोस्तों ये सारी मुर्गियाँ जो है अभी पानी पीने की इनकी व्यवस्था सही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि जब पानी बड़े बर्तन में इनको दिया जा रहा है तो ये सारे लोग जो है एक बर्तन में घुस जा रहे पूरा, तो पूरा नहाए जैसे हो जा रहे हैं ये, तो इनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था हो रही है अभी पानी की व्यवस्था, ताकि ये लोग पानी में डूबे नहीं, पूरा नहाए जैसे ना रहें, ताकि इससे जो मरने की जो स्थिति जो ज़्यादा रहता है कारण रहता है तो वो एक कम हो जाएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं ये बचाए जा सकें, और फिलहाल तो ये फिट लग रहे हैं सारे, लेकिन बस एक समस्या है पानी की जिससे ये झूम जैसे रही है, देखिए आप जैसे जिस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि अब ये धूप सेकने की इनको ज़रूरत पड़ रही है, तो व्यवस्था हो रही है। चलो दिखाते हैं आपको कि अभी क्या क्या करते हैं इनके लिए व्यवस्था। तो दोस्तों पानी की व्यवस्था हो गई है, अब पूरा इंतज़ाम हो गया मुर्गियों के लिए, अब फकीर सिंह जी हमारे जो है वो ले करके गए हैं मुर्गियों के लिए, अब जो है मुर्गियाँ इसमें डूबेंगी नहीं, नहाया जैसा नहीं रहेगा उनका, और पानी पियेंगे आराम से और भीगेंगे नहीं, जो थोड़ा सा है तो थोड़ा सेटिंग उसकी सही से हो जाएगी एक बार, तो फिर बार बार जो है फिर परेशानी नहीं होगी, अब आराम आराम से पानी जो है वो पियेंगे। अब आप देखिए जब ये पी रहे हैं पानी, तो अब ये इनका सर डूबने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों
जब पानी में भीगते हैं फिर ठंडा गर्म वगैरह सब कुछ होता है, उससे बीमार हो जाते, मरते भी ज़्यादा हैं। अब देखिए सीधे आराम से और प्रेम से पी रहे हैं। और ये तो दोस्तों टॉनिक को लगेगा इंजेक्शन, आज लास्ट है टॉनिक। पैर नहीं बाबा, पैर नहीं हिलाते, हिलाते फिर दर्द होता है, पैर हिलाएगा तो नहीं। तो ये तो अच्छा बच्चा है, ये कुछ नहीं करता है। ये देखो इसको हम लगा देते हैं इंजेक्शन, ये बस आराम से लग जाता है टॉनिक इंजेक्शन। बस ये अभी और लगेगा, रुको। टॉनिक को दूसरा इंजेक्शन। ये टॉनिक तो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, इधर लगाना है। बस हो गया। वेरी गुड। तो इनका इंतजाम हो गया है पूरा, और ऊपर से ढकने के लिए भी दो पटले लगा दिए हैं, ताकि जो है ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर थोड़ा ढक दिया जाएगा, और ठंडा होगा तो भी ढक दिया जाएगा। तो इनकी व्यवस्था हो गई है पूरी। ये है हमारा टॉनी। टॉनी को लग गया है इंजेक्शन, अच्छा बच्चा है टॉनी को। टॉनी को इंजेक्शन लग गया, तबीयत उसकी ठीक हो गई है। अब टॉनी हो जाएगा फिट, करेगा दौड़ा भागी टोड़ा भागी कट्टन दौड़ा भागी टोड़ा भागी, है ना। फिर ट्रीटमेंट करो बच्चे का, फिर अच्छा होगा बच्चा, उन्हें गाना भी गाएगा। अरे भाई चलो ठीक हो गया फिर। टॉनी को लग गया इंजेक्शन, फिर ठीक हो जाता है टॉनी। अच्छा बच्चा है तू। हाँ तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए अभी ढक दिया गया है थोड़ा सा, क्योंकि उधर पर जा रहे हैं तो इसलिए, और वरना फिर ये खुले रहते हैं। फिर बाकी बाद में जो है इनको अंदर रख दिया जाता है। वो डलिया रखी हुई है, ये डलिया हमारी इधर होती तो इस डलिया में रख देते हैं इनको, तो फिर उसके बाद अंदर ले जाएंगे, अंदर इनकी व्यवस्था है रहने की। तो फिलहाल ये थोड़ी देर के लिए अभी ढक दिए गए हैं। तो दोस्तों रौतेला जी ने उधर नया मकान बना रखा है रोड के किनारे, और वहाँ पर उनकी मुर्गियाँ वगैरह भी हैं। तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं कि उन्होंने जो है कैसा यहाँ पर किया है। आप लोग यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, हरियाली वगैरह भी है और मुर्गियाँ वगैरह भी पाल रखे हैं, सब कुछ है। तो बहुत ही सुकून पर यहाँ पर वो हैं। हाँ, और उधर पीछे फूल वगैरह भी लगा रखे हैं उन्होंने, तो ये सब कुछ है। और धीरे धीरे अभी कर रहे हैं तो और डेवलप करेंगे ये, और लगे रहते हैं। तो उधर इन्होंने बना रखा है, तो वहाँ मैं लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को। और दोस्तों ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, सुकून देने वाला, पहाड़ में इतना शानदार बना रखा है इन्होंने, ये देखिए। और इधर उधर रोड के किनारे लास्ट में इनका जो नई बिल्डिंग बना रखी है, और इधर मैं दिखाता हूँ कि फूल भी इन्होंने जो लगा रखे हैं, ये देखिए कितना सुकून। ये इधर ये है, और इधर मैं आपको और दिखाता हूँ, तो ये देखिए, और बहुत ही शानदार लग रहा है ये फूल। जब दूर से ही देखने से बड़ा सुकून मिलेगा आपको। और ये देखिए कितना शानदार जो है यहाँ लग रहा है घर ये। तो रौतेले जी हमको लेकर के चल रहे हैं अपने नए मकान की तरफ को, तो उन्होंने बना रखा है उधर। दोस्तों पहाड़ों में इतना सुकून मिलता है, और इतने शानदार जो नज़ारे दिखते हैं, तो लगता है कि आप वीडियो जो है बनाते रहो, लेकिन हम बनाते तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। इधर भी देखिए कितना फूल वगैरह लगे हुए हैं, और कितना सुकून देने वाला जो है नज़ारा इधर लग रहा है। और ये रौतेला जी ने बनाया है रोड के किनारे जो है अपना एक मकान, इधर भी बना रखा है इन्होंने, और कुछ ना कुछ काम का चलते रहता है। तो अब हमको लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर उनकी मुर्गियाँ हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने, ये थोड़ा सा बड़ी हो गई हैं, इन्होंने देखिए इसके लिए स्पेशली बना रखा है कि हेलो हाय। ये देखिए
ये थोड़ा सा बड़ी हो गई हैं, अब धीरे धीरे करके जब वो थोड़ा हो जाएंगी थोड़ा कुछ दिनों के बाद उनको भी फिर यहाँ ले आएंगे, क्योंकि तो काफ़ी जगह अंदर है और खुले खुले में जो है ये रहते हैं। और पूरा देखिए इन्होंने जाली वगैरह लगा करके पूरा बना रखा है, चारों तरफ से हवादार है क्योंकि हवा वगैरह भी पूरी यहाँ जाती है। ये देखिए हाँ, तो अंदर भी आपको लेकर के चलते हैं कि अंदर जो है कैसा। ये देखो सब मालिक के पीछे पीछे सारे लोग जाने लग गए हैं। अब ये उनकी मालिक जो है वो कुछ चारा वगैरह देंगे करके, तो यहाँ इनकी व्यवस्था करी गई है। उधर देखो भूसा वगैरह भी, ये देखो इनको दाना जो है दे रहे हैं। और ये दाना ये है क्या है, ये स्टार्टर है, स्टार्टर। हाँ तो मुर्गियों को स्टार्टर दिया जाता है, तो ये है पीछे ये है। और ये शानदार घर बना रखा है। और अंदर मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ। हाँ तो ये इनका पानी की व्यवस्था इसमें की गई है, तो यहाँ इनका डूबने का सर डूबने का कोई नहीं है। और ये देखिए इनको ठंडा ना लगे करके इधर इधर में भूसा वगैरह भी जो है इसका ये बिछा रखा है, तो लकड़ी का बुरादा है वैसे तो ये। और यहाँ पर इनके लिए अभी डोठे भी बना रखे हैं, रहने के लिए घर भी है इनके लिए, इसके अंदर भी ये रह सकते हैं। और बाकी जो है ठंडे के लिए ये बल्ब इन्होंने ये लगा रखा, पुराना वाला बल्ब लगा रखा है ये, ताकि ठंड में जो है थोड़ा सा गर्मी मिल सके। तो बहुत ही सब रखा है। तो दोस्तों ये रोड जा रही है कफड़ा की तरफ को, और ये पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है हमारे बसकना से। और ये रौतेला जी ने बना रखी है एक रोड किनारे अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है, और इसी में इन्होंने मुर्गियां वगैरह भी पाल रखी हैं, और खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर के गए थे बसकना में श्री बालम सिंह रौतेला जी के पास में। और दोस्तों वो जो है रिटायरमेंट हो करके शहर को छोड़ करके पहाड़ में आ गए हैं, और आप लोगों ने उनकी बात सुनी कि वो यहाँ आकर के कितने फिट हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, और अपने को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने जो है मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं और साग सब्जी वगैरह भी खेतों में लगा रहे हैं, बहुत सारा वो काम कर रहे हैं। आप लोगों को उन्होंने बहुत सी जानकारी दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी पहाड़ों में आते रहिए, जाते रहिए, और अपने घर मकानों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।